एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूँ रश्मि बियानी, आपकी न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम बात करेंगे डायबिटीज को डाइट से कैसे मैनेज कर सकते हैं। मैं अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ आपको वैल्यूबल टिप्स एंड इंसाइट्स दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डायबिटीज किसे कहते हैं। डायबिटीज के दो प्रमुख टाइप है, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती एंड टाइप 2 डायबिटीज में बॉडी इंसुलिन से सही वे में यूज नहीं कर पाती। जो तब जब हम खाना खाते हैं, हमारा ब्लड शुगर लेवल इज डायरेक्टली अफेक्टेड टू दैट फूड। अब बात करते हैं डायबिटीज के की प्रिंसिपल के। सबसे पहले है बैलेंस डाइट। हमें अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट सही मात्रा में यूज करना चाहिए और साथ ही विटामिन्स एंड मिनरल्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। नंबर 2 इज पोर्शन कंट्रोल। लिमिटेड क्वांटिटी में खाना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमारे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहते हैं। नंबर 3 इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा मेजर है जिसे हमारे जो भी हम खा रहे हैं उसे पता चलता है कितना फास्ट हमारे ब्लड शुगर लेवल्स स्पाइक हो रहा है। सो लो ग्लाइसेमिक फूड्स को यूज करना चाहिए ताकि हमारा शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहे। अब बात करते हैं उन फूड को जो हमें डायबिटिक डाइट में ऐड करना चाहिए। हाई फाइबर फूड। हाई फाइबर फूड जैसे कि होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, वेजिटेबल फ्रूट्स, जो शुगर को स्टेबिलाइज रखता है। नंबर 2 इज लीन प्रोटीन। लीन प्रोटीन हो गया जैसे लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, जो हमें मसल रिपेयर और एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड द 3rd इज लो ग्लाइसेमिक फूड्स जैसे कि हो गया ग्रेन्स हो गया, नट्स हो गया, सीड्स हो गया, जो हमारे हार्ट को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं उन फूड को जो हमें डायबिटिक डाइट प्लान में लिमिट या रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। नंबर 1st इज हाई शुगरी फूड या ड्रिंक। हाई शुगरी फूड या ड्रिंक हमारे ब्लड शुगर को स्पाइक से बहुत स्पाइक करता है, तो उसे लिमिट या रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। नंबर 2 इज रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि हमें मैदा प्रोसेस फूड्स में मिलता है, इसे हमें रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। एंड नंबर 3 इज सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स जो फ्राइड फूड्स में मिलते हैं, उसे हमें टोटली रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। मील प्लानिंग एंड इफेक्टिव, डोंट स्किप योर मील्स। आप अगर इफेक्टिव मील प्लानिंग करेंगे तो आपका ब्लड शुगर फ्लक्चुएट नहीं करेगा। एंड 2nd इज डोंट स्किप योर मील्स, इससे हमारे ब्लड शुगर फ्लक्चुएट होते हैं। सो इफेक्टिव मील प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डायबिटिक डाइट प्लान। अब कुछ मैं आपको वैल्यूबल टिप्स एंड स्ट्रेटजीज दूंगी फॉर अ गुड डायबिटिक डाइट प्लान। नंबर 1 इज रीड योर फूड लेबल। जैसे कि आप कब कुछ खरीदने जा रहे हैं, फर्स्ट रीड द लेबल। आप देखिए क्या व्हाट इज बेटर फॉर योर हेल्थ। सो इफ यू रीड द करेक्ट फूड लेबल, यू कैन मेक अ मोर हेल्थियर चॉइस एंड यू कैन सेव योर हेल्थ फ्रॉम दैट। नंबर 2 इज स्टे हाइड्रेटेड, पानी जरूर पीजिए। एंड नंबर 3 इज मेक अ गुड हेल्दी प्रिपेरेशन, लाइक गो फॉर स्टिमिंग, गो फॉर ग्रिलिंग, डोंट गो फॉर फ्राइड फूड्स। कुछ सैम्पल डायबिटिक डाइट प्लान का ये है कि आप ब्रेकफास्ट में आप स्मूदी ले सकते हैं, आप कम्प्लेक्स कार्ब्स से भरा हुआ वेज पोहा ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, किनवा ले सकते हैं। आप लंच में जौ का रोटी लीजिए, ज्वार रोटी लीजिए विद दाल एंड सॉल्टेड वेजीज। अब स्नैक्स में यू कैन हैव सम नट्स, यू कैन हैव सम रोस्टेड चना, यू कैन हैव सम मखानास। एंड डिनर के लिए यू कैन गो फॉर सॉल्टेड वेजीज और सम सॉर्ट ऑफ यू नो दलिया और वन रोटी सब्जी। सो आज हमने डायबिटीज को डाइट से मैनेज करने के बारे में बात की। सो सम गुड टिप्स लाइक बैलेंस्ड ईटिंग, पोर्शन कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अच्छा आप अपना देखिए व्हाट इज गुड। आप बैलेंस्ड डाइट रखिए, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स हमेशा इनटेक करिए। सो अच्छे से आप फॉलो करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे तो आप अपना ब्लड शुगर स्पाइक को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल पे और अपने कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस छोड़िए और शेयर सम गुड टिप्स। पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान के लिए एंड कंसल्टेशन के लिए
डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर हेल्थ एंड टिप्स. मिलते हैं अगले वीडियो में.